नमस्कार हमारी तरफ से। और राजा भंडारा जी और सुष्मिता जी जो बहुत ही नफीस और अच्छी आर्टिस्ट है, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं। दिलीप ताहिर जी की आवाज यहाँ इस कदर तरीके से गूंजी है कि हमारी आवाज निकलने से घबरा रही है। बहुत अच्छी जगह, देखिए क्या इतनी दूर इन्होंने कितनी रौनक लगाई हुई है। और यहाँ पर बॉलीवुड को इस खूबसूरत फॉरेस्ट जंगल जो भी कह ले, बहुत खूबसूरत शहर में ला के बसाया। ग्रेट। और आई मेक इट वेरी शॉर्ट नाउ, हमारे सारे दोस्त मेहमान हैं पीछे, तो आपको हम गाना सुनाते हैं फिल्म निकाह का, दिल के अरमान। यहाँ से वोटिंग हो गई, दिल के अरमान, तो आई कांट डू एनीथिंग। आप सबको खजुराहो, खजुराहो के वासियों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं अपने मित्र और मेरे छोटे भाई राजा बुंदेला जी को और श्रीमती सुष्मिता बुंदेला जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज इस शाम में बुलाया, इस महाउत्सव सातवें एडिशन जो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सातवां एडिशन है, उसमें मुझे यहाँ बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने काम किया है और मेरा स्वागत किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी तरफ से, दलीप ताहिर की तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उनके पीछे पड़े हैं और मैं रंजीत सिंह को बोलता हूँ, रंजीत सिंह अगर मेरे बेटे राज को आ जाए तो याद रखना मैं वही धनराज हूं जो 14 साल पहले हुआ करता था। विश्व पर्यटन नगरी में सातवें खजुराहो फिल्म महोत्सव में दूसरी शाम हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध खलनायक एवं अभिनेता दिलीप ताहिल, साथ ही गायिका एवं अभिनेत्री सलमा आगा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह 7 दिवसीय महोत्सव 11 दिसंबर तक चलेगा। इस समारोह की दूसरी शाम में मुख्य अतिथि प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत शामिल हुए हैं, जिन्हें आयोजक राजा बुंदेला ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। हे स्वामी, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हे प्रिय, हमें देवताओं ने बड़ा श्रेष्ठ कार्य दिया। कौन सा कार्य स्वामी? मुझे भगवान शिव के मन में काम भावना उत्पन्न करना है, जिससे भगवान के पुत्र द्वारा कार का सुख का वध हो। ये तो बड़े हर्ष की बात है। ध्यान मग्न शिव जी को देखा तरह 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 तरह, ध्यान मग्न शिव जी को देख मदन रोज कर नारायण ना करो ध्यान को भंग।
छोड़ दिया है तपस्या कर रही हैं? मैं यहाँ भगवान शिव से विवाह हेतु तपस्या कर रही हूँ। भगवान शिव, भगवान शिव के बारे में मैं परिपूर्ण शख्सियत है। राजनीति शास्त्र से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त श्री शंकर लाल सोनी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी है। छात्र जीवन से ही शंकर लाल सोनी जी समाज सेवा के कार्य में लगे रहे और 1975 से 1980 तक छात्र संघ के विभिन्न पदों को उन्होंने सुशोभित किया। 2015 में नगर पालिका से सेवानिवृत्त होकर पूर्ण रूप से समाज सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले श्री शंकरलाल सोनी जी, एक पौधा जिंदगी की मुस्कान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, एक मुस्कान जिंदगी की जैसे अभियानों से निरंतर जनमानस की सेवा और जागरूकता में लिप्त श्री शंकरलाल सोनी जी का हम सातवें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मान करते हैं। अर्धांगिनी श्रीमती राजपूत जी का सम्मान करते हुए श्रीमती सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला जी के कर कमलों से MBBS और MS की MS शल्य क्रिया की शिक्षा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से ही उन्होंने प्राप्त की। 1975 से लेकर आज तक डॉक्टर सुभाष चौबे जी छतरपुर में पीड़ित मानवता की सेवा में लगनशील है। डॉक्टर चौबे एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुभाष चौबे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। रोटरी क्लब और बैनर्जी फुटबॉल एसोसिएशन छतरपुर के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सातवां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव डॉक्टर सुभाष चौबे जी को सम्मानित करते हुए आनंदित महसूस करता है।
मे आई रिक्वेस्ट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम सभी अमरावती महाराष्ट्र से आए हैं और हम राज बुंदेला जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मंच दिया परफॉर्म करने के लिए। हम कई दिन से बहुत आभारी है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस के लिए चांस दिया। तो आपको क्या हर वर्ष आने की यहाँ पे इच्छाएं होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। तो अभी तो आपका पहली बार आना हुआ होगा खजुराहो? जी, इस बार हम पहली बार आए हैं, अगर हमें अगले साल भी चांस मिलता है तो हम जरूर आएंगे।